हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल यूनानी स्कॉलर। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इल्म सियदला में नया टॉपिक लेते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है आज हमने लिया है, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन भी है, आप लोग मशगूल ज़्यादा रहते हैं और कल ईदुल अज़हा भी है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो ईदुल अज़हा। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। अमल इखला कहा जाता है नमक या खार हासिल करना, यानी कि इस अमल में हम पढ़ेंगे किस तरह से पौधों से नमक हासिल किया जाता है। क्या होता है, बाज़ औक़ात जो नबातात होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके जो नमकीन अज्जा होते हैं, उन नमकीन अज्जा को अलहदा करके उनको दवा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये जो नमकियात हमें पौधों से पाए जाते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा दवाई अहमियत होती है, इसलिए हमें इन नमकियात को पौधों से अलग करने की ज़रूरत पेश आती है। तो इनको हम कैसे अलग करते हैं, और ये जो नबतात से नमक हासिल करने का तरीक़ा होता है, इसी तरीक़े को हम अमले इखला कहते हैं। बाकी दवाओं में जिससे नमक हासिल करना होता है, उसके जो मुसल्लम पौधा होता है उसके पूरे पौधे को जलाकर राख कर लेते हैं। जिस पौधे से हमें नमक हासिल करना है, जिन पौधे में नमकियात पाए जाते हैं, उस पौधे को हम पूरी तरह से जलाकर उसकी राख बना लेते हैं, और उस राख को क्या करते हैं, उस राख को हम पानी में घोल देते हैं। पानी में घोल के उस राख को हम 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, और फिर क्या करेंगे, कोई कपड़ा फिल्टर पेपर से हम उसको छान लेते हैं। तो छानने से क्या होगा, क्योंकि नमक जो होता है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये पानी में हल पजीर होता है, यानी कि ये नमक पानी में वाटर सॉलेबल होता है। तो छानने से क्या होगा, जो नमक होगा वो पानी में डिज़ोल्व होके पानी के साथ आ जाएगा, और बाकी जो पौधे की जली हुई ऐश होगी, उसकी जो राख होगी, वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी, और इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। 2-3 बार राख को पानी में डालकर छानते हैं, एक बार में पूरा नहीं करते हम ये प्रोसेस, 2-3 बार हम ये कर लेते हैं, ताकि जितना भी नमक हो पूरा नमक हमें हासिल हो, और इससे नमक छने हुए पानी के साथ अलहदा हो जाता है। अब नमक को क्या करेंगे, अब जो हमें पानी में नमक मिल गया है, अब ये पानी में तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन अब हमें इसे पानी से भी अलग करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पानी को आग पर पकाते हैं, और इसे इस हद तक पकाते हैं कि जो सारा पानी होता है वो सारा पानी बुखारात बनकर, यानी कि वेपर्स बनकर सारा पानी उड़ जाए, और फिर जो नमक है सिर्फ नमक हमारे पास बाकी रह जाए। और फिर जो नमक हमारे पास बाकी रह जाता है, उसको हम नमक को महफूज करके रख लेते हैं। तो ये तरीक़ा हुआ अमली इखला, हम पौधे को जला रहे हैं, जला के उसकी ऐश बना रहे हैं, उसकी राख बना रहे हैं, और फिर उस राख को हम पानी में 2-3 घंटे के लिए घोल के रख रहे हैं, ताकि जो सारा नमक है राख के अंदर वो सब पानी में शामिल हो जाए, और फिर उस पानी को हम छान लेंगे, और फिर इस पानी को हम खूब पकाएंगे। पकाने से क्या होगा, सारा पानी इवेपरेट हो जाएगा, सिर्फ जो खालिस नमक होगा पौधे का वो हमें इस तरह से हासिल हो जाएगा। तो ये है अमली इखला। इस तरीके से हम किसका नमक हासिल करते हैं, नमक के चिटचिटा, नमक के तुर्ब, जो मूली होती है, मूली के जो पत्ते होते हैं उस पर भी काफ़ी नमकियात सॉल्ट्स पाए जाते हैं। तो अगर मूली का हमें नमक हासिल करना है, तो उसका नमक भी हम इसी तरह से हासिल करते हैं कि उसके जो पौधे होते हैं उसको जलाकर उसकी राख बनाएंगे, और बाकी जो प्रोसेस हमने अभी बताया वही सेम प्रोसेस हमें करना है। जवाखार जौ का नमक भी हम इस तरह से हासिल करेंगे उसके पौधे से। तो एग्ज़ाम में अगर किसी का भी नमक हासिल करने का तरीका अगर पूछा भी जाता है, जैसे मूली का नमक, नमक के तुर्ब, जवाखार, तो आपको सेम यही प्रोसेस बताना है कि हम उसके पौधे को जलाकर राख बना लेंगे, और फिर उस राख को पानी में डिज़ोल्व करेंगे, छान लेंगे, और फिर पानी को इवेपरेट कर देंगे। तो ये आपका अमले इखला हो जाएगा इस तरह से। तो यही है अमली इखला, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं ईद के बाद इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।